अरे राधे दगड़ियो, मैं गणेश विश और ये बबीता विश। तो हम दोनों एक बार फिर से आ चुके हैं आप सभी के मोबाइल फोन में, टीवी स्क्रीन में। तो यार दगड़िया, के रे रोलर पा, आज कई दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ब्लॉग क्या, आज एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है। ब्लॉग ही है ये, मतलब है। इतने दिनों से जो है हमारे कोई ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि ये भी घर पे अकेली है और मैं भी, हम दोनों का एक दूसरे को ही हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मैं सुबह दुकान आ जाता हूँ, फिर दुकान में नवरात्रि और दीपावली का टाइम भी आ रहा है, इन सब चीज़ों में बिजी हैं। और ये भी घर पे जो है काफ़ी सारे काम होते हैं, और ख़ास बात यह है कि पापा भी आजकल घर पे नहीं है, तो हम दोनों अकेले पड़ गए हैं। घर भी संभालना है, दुकान भी देखनी है, तो इस वजह से जो है वीडियो वीडियो बनाने का बिल्कुल कम टाइम नहीं मिल पा रहा था। और ये भी नहीं नहीं है, इसको भी घर के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। अगर मम्मी होती तो वो इसको बताती ऐसा कर ऐसा कर, इसको भी कम आइडिया। और मैं भी नया नया जो है घर गृहस्थी में मैंने कदम रखा है दगड़ियों, तो अभी थोड़ा बहुत हम दोनों जो है जूझ रहे हैं इस उससे। और पापा जो है 1 महीने से हॉस्पिटल में है वो, 1 महीने से, और पहले कुछ दिन गए थे वो काशीपुर में, वहाँ पे उनका MRI वगैरह हुआ था, तो डॉक्टर ने, हमारी छोटी दीदी रहती है उनके साथ है वो। हाँ, उनके साथ थे, तो फिर वहाँ पे उनका सब कुछ टेस्ट वगैरह हुआ, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना है। तो वहाँ पे फिर भाई जो देहरादून रहता है उसने कहा अगर ऑपरेशन ही कराना है तो आप देहरादून आ जाओ, तो वो वहाँ को निकल गए हैं। वहाँ पे उन्हें अभी 1 हफ्ता होने वाला है, और आज MH से उनके कोई कागज़ बनने थे, और वो कागज़ बनने के बाद ही फाइनल रिपोर्ट जो होगी कब क्या कैसे ऑपरेशन उनका होना है, अब उसी के बाद पता चलेगा। हम लोग तो बोल ही रहे थे ऑपरेशन मत करो मत करो, अब जिसको दर्द हो रहा है वही समझेगा भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, और ऐसा ही चल रहा है आजकल। बाकी अब हम लोग सोच रहे हैं कि कल से आपके लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे ब्लॉग फिर भी डेली अपडेट करें। और क्या होता है यार दगड़ियों, बहुत मिस किया आप लोगों को इन दिनों में। खैर, आपने भी बहुत सारा मिस किया होगा, आप लोग उसके लिए सॉरी सॉरी आई एम कौन पकड़ बे सॉरी को यार दगड़ियों। अरे आजकल थोड़ा काम हो रहा था ना हमारे पास भी। काम हो रहा था दगड़ियों, एक तो फिर क्या कहें यार, ऐसे ही हो जा रहा है। हम एक दूसरे को सुबह से शाम को ही मिल रहे थे बाहर खाने के लिए। मैं सुबह आ जाता था, केवल खाना जिस समय खाना खाते थे तभी हम लोगों की मुलाकात होती थी। और अभी अब सोच रहे हैं कि धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाए। आप लोगों ने खुशी में, आप लोग हमारे साथ थे, तो हम लोग यही आशा करते हैं कि जब हमारे ऊपर दुख है तो उस दुख की घड़ी में भी आप लोग हमारे साथ वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे पहले। हाँ, जैसे आप पहले हमारे साथ खड़े थे, इस दुख की घड़ी में भी आप लोग हमारे साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो इसी आशा के साथ आज यही बताने को मैंने थोड़ा सा शूट किया कि कल से दगड़िए वो भयंकर, आज वादा करता हूँ भयंकर, कल से डेली व्लॉग आएंगे। डेली कुछ ना कुछ हम फिर भी थोड़ा बहुत ये कर देगी, थोड़ा बहुत मैं जब मेरे को टाइम होगा तो मैं थोड़ा बहुत कुछ शूट कर लूँगा, जब इसको टाइम होगा तो ये थोड़ा बहुत शूट कर लेगी। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आप हम लोगों को सपोर्ट करना। हाँ दगड़ियो, तो आज की वीडियो में मैं यही बताने के लिए कर रहा था कि कल से रेगुलर ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, जो भी होती है हमारे बीच हंसी मुसी में। देख रहे हो दगड़ियो, हंसती नहीं है यार, हाँ हंस गई। तो दगड़ियो, आज के वीडियो को अब इतना ही रखते हैं, और होप कि आप सभी लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखेंगे, और हम लोगों के साथ हम अपनी लाइफ स्टाइल आपके साथ शेयर करते हैं, अपने ब्लॉग शेयर करते हैं, आप लोग उन पर ऐसे ही प्यार दिखाते रहेंगे। इस ब्लॉग को दगड़ियो इतना ही रखते हैं, ब्लॉग नहीं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अब आपसे कल एक फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, और सबसे जरूरी बात स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता दी, बाय बाय।